असलम एवरी वन होप यू ऑल आज मैं आप सबके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग और वेरी फ्रेंडली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि ड्रैगन चिकन है आउट ऑफ लेफ्ट ओवर ब्रॉस्टेड चिकन आप जब भी ब्रॉस्टेड चिकन खाते हो आई डोंट थिंक सबके साथ होता होगा लेकिन मेरे साथ हमेशा होता था कि वो बच जाता था बिकॉज नाइन पीसेज फॉर मी एंड माई हैवीज टू मच तो थ्री टू फोर पीसेस हमेशा बच जाता था मैं उसको या तो फेंकती थी या फिर रात में या फिर कभी खा लेती थी लेकिन मैंने सोचा वाई डोंट आई मेक रेसिपी आउट ऑफ इट तो आई ट्राइड दिस रेसिपी बहुत ही मजे का लगा था तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर लूँ तो पहले तो मैंने ब्रॉस्टेड चिकन जो uh, बचा बच गया था उसको मैंने पीसेस में कट कर लिया आपको जितने साइज़ के पीसेस चाहिए आप उतने साइज के पीसेस कट कर दें और फिर इसको ओवन में अच्छे से गरम कर लें याद रखें ज़्यादा पुराना ना हो बस आज रात को लिया आपने डिनर पे अगर बच गया तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग या फिर आफ्टरनून तक इसको मैक्सिमम आफ्टरनून तक लंच तक इसको ख़त्म कर दें उसके बाद इसका कंज्यूम करना इज़ हार्मफुल तो उसके बाद मैं जो है अपना सॉस का बेस रेडी कर ली कर रही हूँ इसके लिए मैं डाल रही हूँ टू टू थ्री टेबल स्पून ऑफ़ टोमेटो केचप वन टी स्पून ऑफ़ ग्रीन चिली सॉस और फिर वन टी स्पून ऑफ़ सोया सॉस तीनों सॉस को मैं कंबाइन करके रख लेती हूँ क्योंकि जो प्रोसेस है वो फटाफट करने का है तो प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसमें मैं थोड़ा सा चाइनीज़ पाउडर ऐड कर रही हूँ आप चाहे तो चिकन पाउडर भी ऐड कर ले सकते हैं और फिर मैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ क्योंकि मुझे अपना ग्रेवी येलो येलो चाहिए तो मैं ब्लैक पेपर पाउडर ऐड नहीं करने वाली हूँ अगर आपको पसंद है तो आप यूज़ कर लें तो इसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख लूँगी और फिर मैं अपना वेजीज़ भी कट कर लूँगी पहले तो नट्स को अच्छे से चॉप करके रखने और फिर गार्लिक को फाइनली चॉप और टू साइज़ ऑफ ऑनियन्स को आप चॉप करके रख लें फिर ग्रीन चिली क्रियानडल लीव्स और बेल पेपर ग्रीन बेल पेपर को भी रेडी रख लें और फिर फॉर नेम्स एक जस्ट फॉर अ ट्विस्ट मैं ब्लैक ऑलिव्स को ऐड करने वाली हूँ फिर फटाफट से एक पैन ले लें उसको अच्छे से हीट कर लें और फिर टू टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लें थोड़ा कम ऑयल डालें इट्स बेटर क्योंकि ऑलरेडी चिकन फ्राइड है तो जैसे ही ऑयल हीट हो जाएगा मैं उसमें कैशोनट्स डाल को, मैंने फ़ाइव टू टेन कैशोनट्स लिया था उसको डाल के मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी तब तक जब तक कि वो गोल्डन ना हो जाए उसके बाद मैं इसमें अपना जो आ, गार्लिक को मैंने अच्छे से फाइनली चॉप करके रखा है वो ऐड करूँगी गार्लिक मैंने टेन टू ट्वेल्व क्लोव्स लिया था वो बड़ी कलियाँ हैं इधर की तो मैंने उतना लिया था आप अपने क्वांटिटी से अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हो वन टीस्पून स्पून वन टेबल स्पून आप जैसा चाहो वैसे ले लें और जब तक गार्लिक का जो कच्चापन है वो चला नहीं जाता आप उसको अच्छे से ऑयल में फ़्राई कर लेंगे उसके बाद आप फटाफट से अपने सारे वेजिज़ सॉस वग़ैरह डालेंगे और फिर जस्ट मिक्स करते जाएंगे देखिए मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है आप अपने टेस्ट के अनुसार ले लें और जैसे ही आप वेजीज ऐड करना स्टार्ट करोगे मेक श्योर कि वो कुक ना हो अगर कुक हो जाएगा तो बिल्कुल भी चाइनीज़ का मज़ा चला जाएगा आपका अनियंस बेल पेपर ग्रीन चिली सब कुछ कच्चा होना चाहिए जस्ट दैट ऑयल में थोड़ा सा फ्राई होगा बाकी अंदर से कच्चा होगा तभी आपको वो एग्जैक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट मिलेगा आपको जस्ट फॉर अ ट्विस्ट अगर आप चाहें तो हाफ टी स्पून शुगर या फिर हाफ टी स्पून हनी ऐड कर लें वो थोड़ा स्वीटी स्वीटिनेस देगा और फिर अच्छे से फ्लेवर्स को बैलेंस करेगा लेकिन मैंने आज ऐड नहीं किया था क्योंकि मुझे नहीं पसंद है तो देखिए मैंने जैसे ही अनियन ऐड किया फ़टाफट से ग्रीन चिली ऐड किया फिर बेल पेपर फिर मैंने फ़ौरन ही सॉसेस डाल दिए इसको थोड़ा सा कंबाइन कर लूँगी और फिर उसी बाउल में मैंने वन टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लावर पाउडर उसको अच्छे से ठंडे पानी में मिक्स करके वो भी मैंने ऐड कर दिया ये एक अच्छा सा कंबाइनिंग एजेंट बनेगा मेरा जो ग्रेवी है उसमें और फिर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो मैंने हीट करके रखा था ब्रॉस्टेड चिकन को ओवन में वो मैं ऐड कर लूँगी अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप तवा में या फिर किसी भी पैन में डाल के उसको पहले हीट कर ले और फिर कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करें देखिए फॉर जस्ट फॉर अ नेम सेक एंड फॉर अ ट्विस्ट मैंने ब्लैक ऑलिव्स ऐड किया है और फिर कोरिएंडर लीव्स बस हो गया मेरा ड्रैगन चिकन रेडी इसको सिर्फ मैं कम्बाइन होने तक मिक्स करूँगी बस बाकी इसको कुक नहीं करना है सारा जो वजीज है उसको कच्चा होना बहुत ज़रूरी है तो देखें मेरा ड्रैगन चिकन रेडी हो गया है अगर आपके पास भी ब्रॉस्टर्स वेस्ट हो रहा हो नीड नॉट टू वरी आफ्टर दिस क्योंकि ये वाला ड्रैगन चिकन खाने के बाद आप रेस्टोरेंट में जा ड्रैगन चिकन ट्राई ही नहीं करोगे क्योंकि इतने मज़े का बना था तो दिस तो इज़ माई ड्रैगन चिकन रेसिपी आउट ऑफ लेफ्ट ओवर ब्रॉस्टेड चिकन आप इसको इवनिंग स्नैक के जैसे यूज़ कर सकते हो लाइक अ स्टार्टर यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी फ्राइड राइस या चाइनीज़ राइस के साथ इसको लंच में या फिर डिनर में भी खा सकते हो सो so, मैंने तो इसको चाइनीज़ राइस के साथ एंजॉय किया था सो सी यू ऑल विथ माई नेक्स्ट्रास्पेस स्टिल देन टेक केयर बाय बाय